हेलो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा था। तो कल के वीडियो में 3 क्वेश्चंस हुए थे, आज हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मींस ये जो 4 बातें लिखी हैं ये चारों एक दूसरे के इक्विवेलेंट बात है, मींस चारों का मीनिंग सेम है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। देखिए कुछ बात पहले आप को हम बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज करा देना है। कि कोई एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, और हम प्रूव कर दिए कि एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हम सपोज कर लिए, और प्रूव करते करते किसी तरह हम ये प्रूव कर दिए कि एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। अब आप सोच रहेंगे कि सर ये एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, ये एक एलिमेंट बिलोंग करने से कैसे सबसेट हो जाएगा। जैसे हम ए इज इक्वल टू लिख दें 1 2 3, और बी इज इक्वल टू लिख दें 1 4 5। अगर आप ये एग्जांपल सोच लें अपने माइंड में कि एक्स की जगह 1 हम लें सर, तो 1 ए में भी बिलोंग कर रहा है, 1 बी में भी बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं है ना। बट हम आपको यहाँ पे एक चीज बताएं कि ये जो एक्स है ये आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट है, तो अगर एक्स लिख दिए तो पर्टिकुलर एलिमेंट का बात नहीं होगा। अब एक्स 1 भी हो सकता है, एक्स 2 भी हो सकता है, एक्स 3 भी हो सकता है। तो अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये तीनों एलिमेंट का बात हो रहा है। अगर ए में 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का बात होगा। तो एक्स समझ लीजिए कि सेट, किसी सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एवरी एक्स ना। तो फॉर एवरी एक्स अगर ए में है और फॉर एवरी एक्स बी में आएगा, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसलिए हमको ये एग्जांपल दिए। तो एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, और जब कोई भी हो गया मतलब सब हो गया। ठीक, तो अगर एक्स ए में है, एक्स बी में भी आ गया, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा बात, नोट नंबर, ये 1 था, नोट नंबर 2। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब कि एक्स ए में होगा या बी में होगा। किसी एक में होगा तो यूनियन में तो आता ही है, किसी एक में होगा तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। तीसरा पॉइंट, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अच्छा ये दोनों रिवर्स भी चलेगा, अगर ये है तो ये होगा, अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते। अब एक्स ए में होगा एंड बी में होगा, ये सब चीजें आपको हम बताए हैं, फिर भी आप देखिए, एक्स ए में होगा एंड बी में होगा, क्लियर हो रहा है। तो इंटरसेक्शन में है, मतलब ए में भी है और बी में भी है। पॉइंट नंबर 4, अगर एक्स ए माइनस बी में है, अगर एक्स ए माइनस बी में है, इसका मतलब एक्स ए में तो है बट एक्स बी में नहीं है, क्योंकि ए में से तो बी का एलिमेंट हट गया है, तो ए में होगा और बी में नहीं होगा, तो जिसके आगे माइनस लगा है वो एलिमेंट उसमें नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट है, अगर ये आप याद रखें तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट दिखाना है ना, तो हम पहले दूसरे को पहले इक्विवेलेंट दिखाएंगे, पहले और दूसरे को हम इक्विवेलेंट दिखाएंगे। देखिए कैसे, हम सपोज कर लिए, अच्छा ये गिवन है ना,
ऐसे देख, हमारे पास हम इसको इससे ये लेते आएंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वी हैव ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। अब आप सोचिए कि ए माइनस बी फाइव है, इसका मतलब क्या कि ए में जो एलिमेंट होगा, जैसे देखिए अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू 1 2 3, सुनिए, और बी इज इक्वल टू हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो ए माइनस बी बताइए क्या आएगा। ए में से बी का एलिमेंट हटाएंगे तो ए में बी का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 तीनों है, तो कुछ नहीं बचेगा तो 5 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ए माइनस बी 5 लिखने का क्या मतलब है कि जो ए में एलिमेंट है वो बी में तो होगा ही होगा, जो ए में एलिमेंट है वो बी में तो होगा ही होगा, तभी तो माइनस करने पे 5 आ रहा है। अगर एकाक न रहता, जैसे सपोज 3 इसमें न रहता तो 3 बच जाता ना। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि फॉर ऑल, ये देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, सभी एक्स जो ए में है वो बी में भी होगा। इस एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर भी कर दिए, ये लिखना नहीं है आपको, हम समझाने के लिए लिखे। तो अब बताइए एक्स ए में है एक्स बी में है, तो अभी हम पॉइंट नंबर 1 बताए थे कि अगर एक्स ए में आ गया और फिर एक्स बी में चला गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी का सबसेट है। और यहां से भी आप देख सकते हैं ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में तो है ही है, तो इससे ये आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड हम इक्विवेलेंट कराते हैं। देखना कितना इजी है, थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे आप लोग डेली तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। देखिए हम एक्स बिलोंग करा दिए ए में, एक्स कहाँ बिलोंग करा दिए, ए में बिलोंग करा दिए। अब बताइए हम ये स्टेटमेंट इसके बाद लिख रहे हैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स, अगर एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में रहेगा कि नहीं, बोलिए ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ए में हो और जो बी में हो, दोनों आते हैं ना, ए वाले भी सभी आ जाते हैं और बी वाले भी सभी एलिमेंट आ जाते हैं, तो अगर एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में तो रहेगा ही रहेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए अगर हम कह दें ए 1 2 3 है और बी बोल दें 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए अगर 1 a में है तो क्या 1 a यूनियन बी में नहीं है, अगर 2 a में है तो क्या इसमें नहीं है यूनियन में, तो एक्स अगर ए में है तो ए यूनियन बी में रहेगा कि नहीं। क्लियर हो गया बात? अब यहां पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिवेन है, इसको लेके हम ये लाएंगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या गिवेन है, बी, तो ए यूनियन बी की जगह बी लिख दी। अब सोचिए एक्स ए में सपोज किए थे और एक्स आ किस में गया, बी में आ गया, इसका मतलब क्या ए हो जाएगा बी का सबसेट, तो इसके हेल्प से ये आ गया, मतलब ये दोनों भी इक्विवेलेंट। क्लियर हो रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएं बहुत इजी लगने लगेंगे आपको, ये सब आप लोग के लिए नया है बट सोचिए इतना लॉजिक इसमें है तो थोड़ा आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में। कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग बहुत कर लिए, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, अब थोड़ा लॉजिक लगाना है 11th में। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को हम इक्विवेलेंट दिखाते हैं, तो वही काम।
एक्स हम ए में सपोज कर लिए, एक्स किस में सपोज कर लिए, ए में। अच्छा एक्स अगर ए में हम सपोज कर लिए तो आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी में होगा कि नहीं, बताइए। अगर हम अब सोचिए ए के सभी एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट बी में, जैसे देखिए ए में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट बी में होगा, तभी तो कॉमन मिलेगा। तो अगर एक्स ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में तो आएगा ही ना, या ऐसे समझ लीजिए। अच्छा इसका हम लोग डायरेक्ट यूज देखिए, गिवन में है ना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए है ना, तो ए की जगह हम ए यूनियन बी लिख, ए इंटरसेक्शन बी लिख ही सकते हैं ना, आएगा जरूरी नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, गिवन है। इसके हेल्प से हम ये लाएंगे ना पहला वाला, देखिए इसके हेल्प से ये लाए, इसके हेल्प से ये लाए, अब इसके हेल्प से ये लाएंगे। तो अगर एक्स को हम ए में सपोज कर लिए और ए की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी पुट कर दिए, अगर कंडीशन ना देता तो ना पुट कर पाते, क्योंकि ए में है तो जरूरी नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी में होगा, हो सकता है बी में ना रहता तो इंटरसेक्शन में कहां से आता, बट गिवन कंडीशन है इसलिए लिखे, ठीक। तो अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी में इसका मतलब क्या, कि ए में है एंड बी में है, अभी नोट कराए थे आपको ना, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब ए में भी एंड बी में भी है। अब बताइए ए में माने थे बी में आ गया, इसका मतलब हो गया ना ए बी का सबसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं था ये, बट देखिए कितना आप सोचे हैं इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को एक दो बार अगर आपको किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो उस पर रुकें, सोचें, एग्जांपल्स लें, आपको तब ये इजी लगने लगेगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस बी को सी माइनस ए का सबसेट दिखाना है, तो अगर एक एक्स हम इसमें सपोज कर लें और किसी तरीके से वो एक्स इसमें बिलोंग करा दें तो उसका सबसेट हो जाएगा। अरे अभी ना एक्स को अगर ए में सपोज करते थे और वो एक्स बी में आ जाता था तो ए बी का सबसेट होता था ना, तो चाहे जो सबसेट प्रूव करना हो, अगर इसको इसके प्रूव करना तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में एक्स सपोज करेंगे और राइट हैंड साइड वाले में एक्स को लेते आएंगे, सबसेट हो जाएगा ना, गिवन कंडीशंस जो दिए रहेंगे उसका यूज करेंगे। देखिए तो हम सपोज करें लेफ्ट हैंड साइड वाले में कि सी माइनस बी में एक्स बिलोंग कर रहा है, अब सी माइनस बी में एक्स बिलोंग करने का क्या मतलब बताए हैं, बताइए अभी नोट लिखवाए थे स्टार्टिंग में, C माइनस बी में एक्स बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या, कि C में बिलोंग करेगा एंड B में नहीं करेगा ना, जिसके आगे माइनस लगा उसमें एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। अब सुनिए ये बताइए गिवन कंडीशन है A सबसेट B, A सबसेट मतलब क्या, कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो जो बी में ही नहीं है वो ए में होगा, ए का तो सभी बी में रहता है, सबसेट का मतलब यही है ना, तो जो एलिमेंट बी में है ही नहीं, एक्स अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा ना, नहीं समझे। देखिए एग्जांपल अगर 1 2 3 है और बी है 1 2 3 4 5 6, बी में 7 है, बोलिए ए सबसेट बी है कि नहीं है, ए सबसेट बी, बी में 7 है, तो बी में अगर 7 नहीं है तो ए में भी तो नहीं रहेगा, कह देंगे क्यों नहीं सर, मान लीजिए अगर ए में होता इसमें ना रहता तो सबसेट कहाँ होता, ए बी का सबसेट कहाँ होता, ए बी का सबसेट है तब बात करना है, ए बी का सबसेट है तो जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में भी तो नहीं होगा, तो एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा,
सही है। अब सोचिए एक्स सी में है और ए में नहीं है, तो क्या इसको हम सॉल्व में सी माइनस ए लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सी में है और माइनस मतलब ए में नहीं है। समझ में आया? तो देखिए सी माइनस बी में लेके चले थे एक्स को और एक्स आ किस में गया? सी माइनस ए में, तो मतलब सी माइनस बी इसका सबसेट हो गया, सी माइनस बी सबसेट हो गया सी माइनस ए का। ये प्रूफ करना था, ठीक है? लॉजिक लगाते रहिए, करते रहिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितना ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सोचिए, देखिए ये इतना लॉजिक है इसमें कि आप थोड़ा सा लॉजिक समझने लगेंगे ना तो आपको ये जी लगने लगेगा। थोड़ा ट्राई करिए, फिर भी समझ में आ ही ना होगा आपको। अब देखिए ए को बी के इक्वल दिखाना है, ए बी कोई सेट है, दोनों को इक्वल दिखाना है। अच्छा एक चीज आप बताइए हमें, हम कहें कि ए बी का सबसेट है, तो इसका मीनिंग क्या? कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, और हम फिर ये कह दें कि बी भी सबसेट है ए का, मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं। अब दोनों बात को एक साथ सोचिए, पहला कह रहा है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और दूसरा कह रहा है बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी इक्वल होगा ना, सही बात है कि नहीं? जब ए के सभी एलिमेंट बी में आ गए और बी के सभी एलिमेंट ए में आ गए, इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल सेट है। तो अब हमें ये इक्वल सेट प्रूव करना है, तो हम ये दो कंडीशन प्रूव करेंगे। एक बार ए को बी का सबसेट दिखाएंगे और बी को ए का सबसेट फिर दिखाएंगे ना। लॉजिक समझ में आया क्या करने जा रहे हैं? तो देखिए, अच्छा ए को बी का सबसेट दिखाने के लिए इसमें एक्स सपोज करेंगे और वो एक्स उसमें लेते आएंगे, यही लॉजिक करते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताइए अब इसके देखिए आगे का स्टेप आप सीखिए, देखिए नया नया चीज सीखिए। अगर x a में है तो अगर x पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये तो सेट हो गया ना, तो ये सेट कहां जाएगा? पावर सेट में। देखिए बहुत आराम से हम समझा रहे हैं आपको इस वीडियो में, हम केवल ये तीन ही क्वेश्चन कराएंगे, 4, 5 या 6, ठीक है? ये देखिए x a में बिलोंग कर रहा है, तो अगर x पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो a में तो जाएगा नहीं, वो पावर सेट में चला जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम कहें a 1, 2, 3 है तो ये क्या है बताइए? 1, ये सब क्या है? a का सबसेट है, तो ये कर a का सबसेट है ना, और इसका कलेक्शन क्या होता है? और भी होगा, इसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पावर सेट। इसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सबसेट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो अगर एक एलिमेंट पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो वो किसके अंदर चला जाएगा? पावर सेट के ना, ये लॉजिक था। तो अब देखिए एक्स ए में है तो एक्स पे अगर सेट लगा दिए तो पावर सेट में चला गया, बिलोंग करने लगा। अब देखिए, अब पी ए इक्वल दिया है पीबी के, सिंस पी ए इज इक्वल टू पीबी, ये गिवेन है, जो गिवेन है उस पर हमें नहीं सोचना है, उसको यूज करना है। पी ए के प्लेस में पीबी रख दिए। अब बताइए कि सिंगलटन एक्स मतलब सेट एक्स पीबी के अंदर है, अगर सेट अब हटा दे फिर हटा दे तो बी के अंदर चला जाएगा। ए में था तो सेट लगाए तो पीए में गया, अब पीबी में है तो हम सेट हटा दिए तो बी का एलिमेंट में चला जाएगा। अब देखिए ए में सपोज किए थे बी में आ गया, इसका मतलब ए सबसेट बी। अब इसका कन्वर्स करते हैं, बी को ए का सबसेट दिखाते हैं। देखिए अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, अब एक्स बी में है तो सिंगल सेट लगा दिए तो पीबी में चला गया, और पीबी किसके इक्वल है? पीए के इक्वल है, और जब सिंगलटन एक्स पीए में है, एक्स ये ब्रैकेट हटा दिए तो ए में चला गया, बी में सपोज किए थे ए में आ गया, मतलब बी सबसेट ए। तो यहां लिख देंगे अब, इफ सिंस ए सबसेट बी
एंड बी सबसेट ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ट्राई करें, पढ़ें, ये आपके लिए नया है इसलिए इसको हम बहुत ही आराम से इस वीडियो में केवल तीन ही क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।